जय हिंद मेरे लाल। आज हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो आपको सीट भेजी थी ना 1 मार्क्स की, उसका सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए भाई सोल्यूशन निकालते हैं और सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। चलो भाई देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, वाई इज द पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड टू अ वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल। इसका बेटा आंसर देख रहे हैं आप लोग, आंसर इसका है देखो सामने लिखा हुआ है, ईएमएफ मेजर बाय द पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट। अब बताया था हमने ईएम पोटेंशियोमीटर मोर एक्यूरेट ईएमएफ देता है, क्यों? क्योंकि बेटा वो सेल से कोई करंट खाता ही नहीं है, यही तो बताई थी मैंने आपको। बिकॉज द सेल इज इन ओपन सर्किट, जब सर्किट ओपन होगा तो ठीक है ना, सर्किट गिविंग नो करंट, उस समय कोई करंट मिलेगा ही नहीं उसको, तो वोल्ट मीटर काम कर ही नहीं पाएगा, है ना? ठीक है ना, इसलिए क्या चाहिए होगा, पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन है आपका, समझ में आ गया ना, गिविंग नो करंट, ठीक है ना। चलो भाई इसी तरह बेटा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द कॉपर इज नॉट यूज्ड टू मेकिंग पोटेंशियोमीटर वायर। अब पोटेंशियोमीटर वायर की याद करो, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर वायर में क्या क्या दो होने चाहिए, एक तो बेटा उसका रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, बात समझ में आ गई, और दूसरी बताई थी मैंने कि टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, यही बात तो थी ना। तो देखना भाई ये लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंक्रीज, दिख गई ना, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंक्रीज कैसे आपसे बेटा, टेम्परेचर बढ़ने पर, दिख गया, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा, क्योंकि हम उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है तो हीटिंग होगी, हीटिंग होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। डन, चलो भाई ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर फॉर अ फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, अब देखो बेटा रेडियस की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए भाई यदि रेडियस की बात करें तो रेडियस में देखना कैसे काम चलेगा, ये देखो भाई ग्राफ बनाएंगे तो रेडियस देखो, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए, सबको पता है, लोग जब रो लिखा और ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो टर्म रो एल और पाई कॉन्स्टेंट कर दिया तो आर इक्वल टू कितना आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों इक्वल टू लगाएंगे, देखो तो आर इक्वल टू देखो लगाएंगे तो इस वाली जे वाली वैल्यू, जे वाली वैल्यू और इस वैल्यू को कॉन्स्टेंट कर दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लग गया हमारा, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग गया तो आर इक्वल टू कितना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन आर स्क्वायर हो गया, रेजिस्टेंस रेडियस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ग्राफ कैसा बनता है सर, कर्व बनता है जे वाला। डन, तो ये आपका ग्राफ बन गया। डन, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वी आई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑफ अ मेटेलिक वायर ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पर दिया हुआ है, एक T1 टेम्परेचर है दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये T1 टेम्परेचर है और ये आपका T2 टेम्परेचर है, ठीक है, वी आई ग्राफ है, वोल्टेज करंट का ग्राफ है। आपसे पूछा क्या गया है इसमें, टेम्परेचर ज़्यादा किसका है, ठीक है ना, टेम्परेचर ज़्यादा किसका है। अब देखो बेटा, सिंस रेजिस्टेंस इक्वल टू, रेजिस्टेंस किसका किसके इक्वल होता है सर, वी इक्वल टू आई आर हमने पढ़ रखा है, वी इक्वल टू आई आर हम जानते हैं, वी इक्वल टू आई आर पढ़ चुके हैं, यहाँ से इनका ग्राफ वी अपॉन आई कर दो तो क्या बन जाएगा आर, यहाँ से आप 1/r कर दो तो क्या निकलेगा, हमारे अपॉन आर निकलेगा कितना हमारे पास, आई अपॉन वी। डन, नहीं तो निकलेगा, सिंस रेजिस्टेंस स्लोप, रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब देखो फिगर में दो दिख रहे हैं, T1 एंड T2 दो हमारे पास क्या दिख रहे हैं, टेम्परेचर दिख रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट इन द हायर टेम्परेचर। T1 देखो इसमें जिसका स्लोप बड़ा होगा, जिसका जो स्लोप एंगल बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, हिंदी में समझ जाना कि जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, इसलिए T1 का रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, द हायर टेम्परेचर द इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना, यानी कि T1 का जो है वो लार्ज है। डन, चलो भाई नोट कर लिया आपने, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है आपका, द ईएमएफ ऑफ अ सेल
इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज बाय, ईएमएफ ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से क्यों? सफर फॉन्सर लिखा हुआ है द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस द करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट द ईएमएफ मस्ट बी ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज। आपने वही पढ़ रखा है ना, इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ हमेशा किसके इक्वल होता है? अब खुद देख लो भैया कि ईएमएफ कितना होगा, सर वोल्टेज और आर यहाँ पे क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, सब सब दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। थोड़ा सरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा देखना। यू हैव गिवन, आपको तीन तरह के कंडक्टर गिवन है, पी क्यू आर, ठीक है ना। पी क्या लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरे की लेंथ 2L और क्रॉस सेक्शन एरिया, और तीसरे की लेंथ और 2A क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। इसमें आपसे पूछा है कि हाई रेजिस्टेंस किसका होगा। रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस कितना होता है, सर रेजिस्टेंस जानते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हम जानते हैं ऑलरेडी R इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए। तो रो एल पहले वाले के लिए कितना हो गया R रो रो एल अपॉन ए, दूसरे वाले के लिए कितनी है 2L, देखो दिखाओ 2L अपॉन ए बाई टू, ए बाई टू करेंगे तो 2 पर पहुंच जाएगा। इसी तरह बेटा ये कितना होगा रो 4L अपॉन ए, और तीसरे की बात करें तो रो तो यही है एल गया पे, दूसरे वाले कितनी एल बाई टू, देखो एल बाई टू लगा हुआ एल बाई टू और कितना हुआ 2। अब देखो बेटा इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में होगा, देखो यहाँ पर देखो यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसका सबसे कम रेजिस्टेंस इसका ही होगा 4A लिखा हुआ है, ठीक है ना। जबकि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे अधिक लेंथ किसकी दिख रही है यहाँ पर दिख रही है इस वाले की, इस वाले की थोड़ा ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, इस वाले की लेंथ ज़्यादा दिख रही है, ठीक है ना, इस वाले की जी देखो 4L दिख रहा है ना। तो इसमें यानी कि Q जो Q रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा, डन। चलिए भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलो 7 लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है दो वायर है इक्वल लेंथ दोनों की, ठीक है, बन पहला कॉपर का बना हुआ है और दूसरा किसका है मैग्नीन का बना हुआ है, रेजिस्टेंस सेम है, तो पूछा गया थिक कौन है। चलिए भाई देखो लेंथ दोनों की सेम है, द टू वायर इक्वल लेंथ, लेंथ दोनों की सेम है, तो पहले वाले की लेंथ है नहीं कि इस वाले कॉपर वाले की, लिए मैं कॉपर वाले की रजिस्टिविटी में मान लेता हूँ, कॉपर वाले की जो रजिस्टिविटी है वो रो वन मान लेता हूँ, कितनी रो वन, और मैग्नीन वाले की कितनी मानूं, हम मैग्नीन वाले की मान लेते हैं रो टू, ठीक है ना, मैग्नीन वाले की रो टू मान ली। अब आर इक्वल टू कॉपर के लिए कितना होगा रो वन एल अपॉन ए वन, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन मान लिया मैंने, लो ए वन, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए टू माना, ए टू, तो आर इक्वल टू रो वन एल अपॉन ए वन और एस इक्वल टू रो टू एल अपॉन ए टू, डन, ठीक है। अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है, दोनों का टू वायर इक्वल लेंथ कॉपर इतने गिवन है, सेम रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, सेम रेजिस्टेंस, जब सेम रेजिस्टेंस दोनों को रेजिस्टेंस बराबर कर दिया, जब बराबर कर दिया तो कटे से क्या कटा, सर एल से एल कट गया, ठीक है, क्या बचा रो वन अपॉन ए वन इक्वल टू रो टू अपॉन ए टू, रो वन रो टू का रेशियो निकाला तो कितना निकला ए वन अपॉन ए टू, यानी कि इससे क्या निकला एज रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन, मैग्नीन की रेजिस्टिविटी रो टू ज्यादा होती है, इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर से ज्यादा होती है, सो मैग्नीन वायर कैसा होगा मोटा होगा, यदि रेजिस्टेंस बराबर है तो मैग्नीन क्या होगा मोटा होगा, सीधी बात है, ठीक है, डन। चलिए भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है आपका, ये तो सबको पता है। देखो भाई इसमें क्या पता है, एन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, आपसे पूछा क्या गया है द बैलेंस लेंथ ए सी, देखो जो यहाँ से ए से लेके सी तक ये बैलेंस लेंथ दिख रही है, ठीक है ना, बैलेंस लेंथ ए सी एक्स है आपकी, ठीक है ना, देखो जो आपकी जी गिवन है ए सी, जी वाली दूरी गिवन है कितनी एक्स है, फॉर द वैल्यू व्हेन द रेडियस ऑफ वन मीटर ब्रिज इज डबल, बेटा रेडियस को डबल कर दिया जाए, इस मीटर ब्रिज की रेडियस को यानी कि जो ए बी जो पूरी पूरी है इसको डबल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, जब रेडियस डबल कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आपको याद दिलाओ मैंने आपको करा था, यदि हमने पढ़ रखा था इसका आर अपॉन एस, यही तो याद है आर अपॉन एस पढ़ रखा था, आर अपॉन एस फाइव नहीं है वो ऐसे, तो मैं सही कर रहा हूँ, रुक जाओ
आर अपॉन एस, ठीक है ना। आर अपॉन एस इक्वल टू क्या था हमारे पास कि देखो आर इक्वल टू क्या था बेटा, एक्स अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स, यही तो याद आई थी ना यहाँ पर हंड्रेड। देखो क्यों, जहाँ पर टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके पास वाला हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, उसके पास वाला हमेशा हम लोग आर मानते हैं। तो जो हमारा पास आर हो गया तो आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू एक्स अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स, हंड्रेड माइनस एक्स डन, जो लिखा हुआ तो है यार, ठीक है ना। अब यार इसको इसको मोटा कर रहे हैं, इसके इसको और मोटा कर दें, इस वायर को खूब मोटा कर दें, ऐसे खूब मोटा मोटा कर दें, लेकिन बराबर कर दें, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर रखें, इसको खूब मोटा कर दिया ऐसे, इसको इतना मोटा कर दिया, ठीक है ना। अब बेटा जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा ना तो इसका जो मोटाई करने पर रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा, लेकिन सेम रेशियो में कम तो होगा ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि आर वन आर टू आर, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे देन एक्स विल बी रिमेन सेम, क्योंकि बेटा इसका डायमीटर इसको मोटा करने पर जो इसका पूरा रेशियो सेम, सब पूरा वायर सेम इकट्ठा बराबर बराबर मोटा होगा, इसलिए क्या होगा मेरे लाल, बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले इसको साफ करो। साफ हो गया, कुछ बाकी तो नहीं है, बाकी है। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट टू बी ड्रॉन इन अ सेल, यार सेल से मैक्सिमम करंट कब मिल सकता है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो, जीरो ये लिखा हुआ है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जीरो, ठीक है ना। आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है, सब पता है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू जीरो देन द मैक्सिमम करंट विल बी सेल, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद होगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट द कंडीशन अंडर विच द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी एंड इट्स ई एम एफ आर इक्वल, चलो भाई कब इक्वल होगा, जब बेटा बैटरी का सर्किट खोल रखा हो, व्हेन द बैटरी इज ओपन सर्किट, बैटरी कैसी हो, ओपन हो, जिसमें करंट कोई ले नहीं रहे हो उससे, ठीक है ना। हम क्या ले रहे हो, हम कोई भी करंट नहीं ले रहे, नो करंट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, हम कोई भी करंट सेल से करंट नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। जब वो कंडीशन समझ में आ गई नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तब क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा मेरे लाल किसके, ईएमएफ के, डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। एक कार की बैटरी है 12 वोल्ट की है, ठीक है ना, हम छोटे छोटे घड़ी के सेल ले आए, 1.5 वोल्ट के होते हैं वो, ठीक है, उनसे कनेक्ट कर लिए, तो क्या 12 वोल्ट की लगाने पर बैटरी स्टार्ट हो जाएगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि बैटरी में जो रेजिस्टेंस है वो छोटे वाले सेल होते हैं ना, उनमें इंटरेक्शन बहुत होता है दबा के, ये दिख रहा है, दिख गया ना कितना है। द ड्राई सेल यूज इन अ सीरीज विल हैव हाई रेजिस्टेंस, 10 ओम का हो जाएगा 12 सेलों से, ठीक है ना, जबकि छोटी अभी 6 वोल्ट की बैटरी होती ना उससे कितना होता है, 0.1 होता है, तो भैया इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, तो क्या होगा, बैटरी उससे हमारी स्टार्ट हो जाएगा, बट हमारे इससे स्टार्ट नहीं होगा। बासन में आ गई, आ गई तो हाई लाइट कर देते हैं ग्रीन से, नहीं लाइट ब्लू से करेंगे, ठीक है ना, डन, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यार जी, ग्राफ दो यार, ग्राफ ग्राफ शो इन, चलो भाई गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, सबको दिख रहा है वो, आपको था ना, तीन याद आ गया, गैलियम आर्सेनाइड था एक तो, जे यहाँ पे ओम्स लो काम नहीं कर रहा था, दूसरा क्या था बेटा, दूसरा था अपना वाटर वोल्टमीटर, और तीसरा क्या था, डायोड, ये तीन अपनी डिवाइस ऐसी थी जो जहाँ पर अपना ओम्स लो काम नहीं करता है। चलो अब पूछा कि इसमें ओम्स लो कितने एरिया में काम कर रहा है, दूसरा दिख रहा है ना वेयर द ओम्स लो, अबे ओम्स लो तो यहाँ से ए से बी तक ओबे कर रहा है बस, इतने वाले एरिया में, ठीक है ना। तो ओम्स लो कितने एरिया में काम कर रहा है, सर ओम्स लो काम कर रहा है ए से बी वाले, वे क्या कर दिया मैंने, ओम्स लो कितने में काम कर रहा है, ओम्स लो काम कर रहा है इतू से एरिए में, ए से बी में ओम्स लो काम कर रहा है, और वो क्या लगा है, रेजिस्टेंस नेगेटिव कहाँ है भैया, जे वाला है रेजिस्टेंस नेगेटिव, जे 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 रेजिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव, बात समझ में आ गई ना। चल वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक कंडक्ट, ये तो सबको पता है ना बेटा, कनेक्टिविटी क्या होता है, वन अपॉन रो, जो गलती से डब्बा बन गया, ठीक है ना, तो वन अपॉन रो इक्वल
इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी के अंदर भी डिफाइन है, लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेप्रोकल होता है, और इसका माहोमीटर इनवर्स क्या है, माहोमीटर इनवर्स इसकी यूनिट है, और सीजीएस यूनिट कितनी है, सीमेन मीटर इनवर्स, ठीक है ना। गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम अ लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन आपस में ठुकते पिटते हैं, कभी इधर भागा, कभी इधर गया, कभी उधर गया, जाने वो किधर गया, और इससे क्या होगा, कोलिजन से उनमें क्या आएगा, रैंडम प्रोसेस शुरू होगी। याद आ गया, मैंने कहा था कितना रैंडम प्रोसेस होगी, ऐसा कोलिजन रैंडम प्रोसेस होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कभी मैं इधर गिरा, कभी मैं उधर गिरा, यानी नशेड़ी था, ठीक है ना, इसलिए उधर गिर रहा था, गधा कहीं क्या इलेक्ट्रॉन, चलो बेटा टकरा रहा था लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, लिखा हुआ है करंट फ्लो द मेटल कंडक्टर इन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ द दीज क्वांटिटी, हाँ भाई, इनमें कौन सी क्वांटिटी कौन इज कॉन्स्टेंट, भैया केवल करंट होगी, जे क्वांटिटी कॉन्स्टेंट होगी बस, द करेंट बिकॉज इन सीरीज द करेंट इज सेम, पता है आपको सीरीज में करेंट सेम होता है, बाकी सब चीज चेंज हो सकती है। गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइज ड्यू टू अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट द फोर्स शुड कॉज, अरे यार मैं बता चुका था तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन, देखो देखा था, याद करो हमने जब ड्रिफ्ट में जब पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हो रहे हैं कितना, हमने एक फॉर्मूला भी यूज, काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी यूज की थी, कौन सी वाली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सर यहाँ पर यू ए यूज कर लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हो रहा होगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो 10^5 मीटर पर सेकेंड है, बट वो टक्करें खा लेता है, कभी इससे, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, एक्सलेट, जरा खा को पाएगा, कभी वो थप्पड़ देता है, कभी वो थप्पड़ दे पाता, कहाँ से एक्सलेट हो जाएगा, डोल डोल के जरा मर मर के तो पहुंच पाता पॉजिटिव एटम तक, एक कहानी लिखनी थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सलेट, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि बेटा जब ड्रिफ्ट स्पीड के चक्कर में दूसरों से टकराता रहता है, ठुकता पिटता रहता है बेचारा, और ठुकता पिटता रहता है तो कहाँ पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा, रोड पीट के पहुंच पाएगा पॉजिटिव टर्मिनल तक। चलो भाई ठीक है, आंसर लिख लिया होगा आपने, समझ गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इज एस्टिमेटेड बाय ओनली फ्यू मीटर्स पर सेकंड, द रेंज ऑफ फ्यू एक्सप्लेन हाउ इज द करंट, अरे यार इसका आंसर के लिए लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो पाता है, उसकी स्पीड मैंने आपको बताई थी कितनी, 10^-4 होता है सर, आपको -5, हाँ ठीक है ना, जो कहाँ चल रही थी मीटर पर सेकंड में। तो अब क्वेश्चन बन रहा है आपका ये कि इलेक्ट्रॉन की जब इतनी कम स्पीड होती है तो पूरे में करंट कैसे फैल जाता है एक इतनी जल्दी, ठीक है ना। इसका आंसर सीखना बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, तो सभी देखो इलेक्ट्रॉन ने इसको उसको एनर्जी दी, उसको उसको एनर्जी, सब सब चलने लगते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, नहीं तो हुआ था, एट एवरी पॉइंट अ लोकल इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट इज इंड्यूस्ड बाय द फील्ड, दिस वे द करंट अटेन इट्स स्टडी वैल्यू अमाउंट इंस्टेंटेनियस। समझना यार, पूरे के पूरे वायर के सब इलेक्ट्रॉन धड़के दौड़ने लगते हैं और सब ठुकते बैठते हैं, एक ना बस तो सब ठुकते बैठते हैं, सब सब ठुकते बैठते, सब हिल हिल के चलते हैं बेचारे, जब हिल हिल के चलेंगे ना तो आपको पता है कि एक से चलना शुरू हुआ, वो ठोका पीटा, उसने उसको ठोका पीटा, उसको ठोका पीटा, और आगे कहाँ पहुंच गया, लास्ट पॉइंट पर पहुंच गया, करंट तुरंत तो बड़ी जल्दी पहुंच जाता है, समझ में आ गई। चलो भाई समझ में आ गई होगी तो बता देना, नहीं समझा तो बता देना, दोबारा समझा दूंगा। इज देयर इज अ नेट फील्ड इनसाइड द सेल व्हेन द करंट इज क्लोज्ड एंड स्टेडी करंट पास थ्रू, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, हाँ यार नेट फील्ड तो बनेगी बनेगी ना अपोजिट डायरेक्शन में, आंसर लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, नोट कर लेना, व्हेन द करंट इज, द सर्किट इज क्लोज, द करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द सेल, द लेटर फैक्ट शो दैट देयर इज अ नेट फील्ड इनसाइड द सेल अपोजिट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सही यार, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो बननी बननी, मैं बताया था भाई इलेक्ट्रॉन चलेगा तो भैया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो इलेक्ट्रॉन जब रुका होता है तो आसपास क्या बनाता है, अपने आसपास एक फील्ड बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वही इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, समय उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, तो फील्ड तो बननी बननी है, और वही इलेक्ट्रॉन अगर एक्सलेट हो गया तो क्या बनेगा सर, एक्सलेट होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, करंट भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, और एक्सलरेशन भी होगा,
ठीक है ना। चलो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, एग्जाम्पल देख लो भाई, ठीक है ना। पॉजिटिव कॉपर का एंड नाइक्रोम का एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर का। जी तो मैंने आपसे बता चुका कॉपर का, याद रखो कुछ दिन बच्चा भी कुछ उस दिन जब मैं पढ़ाया था तो कॉपर का बिल्कुल बेटा कॉपर का इसी तरह बनेगा, ध्यान रखना कोई चेंज नहीं करना कॉपर की में। तो मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको बनवाए थे, आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे इस तरह से कॉपर कैसा बना होता, ठीक है ना। चलो भाई ये सही आंसर है बिल्कुल। टू आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF ई हैविंग बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टेड है पैरेलल, ठीक है। करंट कितना होगा? करंट होगा बेटा I इक्वल टू ई अपॉन आर, लिखा तो लिखा द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द टू आइडेंटिकल सेल द टोटल रेजिस्टेंस कितना R ही होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, सेल में तो लोगों का रेजिस्टेंस जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस पता है एक, दोनों बराबर बराबर हैं तो मैं आपको कराया था जब डेरिवेशन कराया था, याद करो जब सेम EMF और सेम रेजिस्टेंस के सेल पैरेलल में लगे हैं तो नेट इक्विवेलेंट EMF कितना होता है? एक सेल की EMF के बराबर होता है, तो EMF कितना हुआ? E, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? R, तो I इक्वल टू ई अपॉन आर हो गया यार, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? एक ग्राफ बना हुआ दिख रहा है। चलो भाई EMF पूछा है, EMF पूछा है एक सेल कितना, कितने सेल लगे हुए हैं? द प्लॉट ऑफ द ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम तीन सेल लगे हैं, देखो जे लिखे तीन सेल, ठीक है ना, हाईलाइट कर देता हूँ दिख जाएंगे तुम्हें चीजें, तीन सेल लगे हुए हैं, ठीक है ना, सीरीज में लगे हुए हैं तीन सेल। तो सीरीज में देखो करंट जब जीरो हो, करंट यानी कि जीरो यहाँ पे आएगा करंट, इस जगह पे आएगा करंट, ठीक है ना, टिक लगाऊं इस जगह पे रो, तब उस समय EMF कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। देखो यहाँ पर इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह से देखा तो जब करंट जीरो है I इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो EMF कितना होगा? 6 वोल्ट होगा, दिख रहा है ग्राफ में, क्योंकि ये करंट जीरो कब होता है? जब सर्किट कैसा हो? बंद हो कि चालू हो? अब यार सर्किट कैसा हो? सर्किट से करंट फ्लो ना हो तभी तो EMF होगा, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तभी तो I इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। तो EMF कितना? 6 वोल्ट है, कितने सेल के थे? तीन सेल थे, यानी 6/3 इक्वल टू 2 वोल्ट, एक सेल कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया, कहानी खत्म, ऐसा हजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई द रेजिस्टेंस बिकम मोर इन सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यार इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाती है, ये लिखा हुआ है, इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ, दिख गई, इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कौन से रंग से करते हैं? रंग दे पिंक से कर दिया, ठीक है ना। अब होता है पैरेलल में क्यों कम होता है? क्योंकि भाई क्या हो जाता है? इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता होगा। देखो ये लिखा हुआ है इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अपने आप कम हो जाएगा। इसको किससे रंग दें? लाल 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 कर दिया, ठीक है ना, गा नहीं गाऊंगा उसको, डन। नेक्स्ट क्या है? हाउ कैन इनकी जो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी कैसे भाई? पोटेंशियोमीटर को सही करना और अच्छा करना है तो एक काम करो वायर को लंबा कर दो, तो एक तो होगा इंक्रीज द लेंथ, और दूसरा क्या हो, जो ड्राइवर जो वोल्टेज था ना, ड्राइवर करंट उसको कम कर लो, ठीक है ना। तो एक तो कहानी जी बन गई, क्या हुआ कि इंक्रीज द लेंथ को बढ़ा लिया, और दूसरा क्या कर लिया हमने? दूसरा हमने कर लिया लाल ग्रीन 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 नहीं पिंक पिंक, ठीक है ना, रिड्यूस द मेन करंट, मेन करंट को रिड्यूस कर दिया, डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू सिमिलर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया क्रॉस सेक्शन बट द डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, हैविंग रेजिस्टिविटी रो वन एंड रो टू आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी कि सीरीज से कनेक्टेड है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके चलो भाई इसको करना पड़ेगा सॉल्व, करते हैं। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं रेजिस्टेंस? R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा रो, L कितना है इसका सिमिलर वायर, इसका भी कितना होगा? L अपॉन A, और इसका भी कितना होगा? इसका भी इतना ही होगा रो L अपॉन A, सब कुछ सिमिलर है, LCM लिया तो A LCM आ जाएगा, ठीक है ना, जे रो रो कॉमन आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? टू रो टू एल अपॉन ए, इतनी तो बचेगा हमारे पास, ठीक है ना, जे तो हमारे पास जे आ गया जब दो रेजिस्टेंस थे, और जे क्या है? जे इक्विवेलेंट है ई, लिख लेता हूँ यहाँ पे रो ई, ठीक है ना। अब अलग अलग देख लेते हैं, इसका कितना था रो वन और इसका कितना रो टू, मान लेते हैं
ठीक है ना। तो सबको जोड़ दो सीरीज में, रो एल अपॉन ए, क्योंकि आर वन इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन ए, रो टू एल अपॉन ए टू, इनका एलसीएम ले लो तो कितना होगा, इतना ही हो जाएगा। अब बेटा इनका एलसीएम लेने के बाद इनको कंपेयर कर दो, तो ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, रो इक्वलेंट, रो इक्वलेंट इक्वल टू कितना आया, रो इक्वल टू आ गया रो वन प्लस रो टू अपॉन टू। फिर भी इसको क्वेश्चन को मैं कराऊंगा दोबारा से बोर्ड पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तुम देखो वरना मैं कराऊंगा बोर्ड पे इसको, तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, देखो अब 20 क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज चेंज एंड इट्स प्लेस अनदर वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग डायमीटर ट्वाइस, वे डायमीटर ट्वाइस कर ले, थ्राइस कर ले, 44 कर ले, 45 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई रे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेंस पॉइंट पे। यार कितनी बार पढ़ा चुका हूँ मैं, तो डायमीटर का को चेंज कर रहा है फालतू में, टाइम पास कर रहा है, बच्चों को बर्बाद कर रहा है फालतू में, डायमीटर कितना ही करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना डायमीटर वायर को कितना मोटा कर ले यार, कहाँ फर्क पड़ना है, ठीक है ना। फालतू में इतना मुड़मारी करो, इसलिए बैलेंस पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ना, डायमीटर को कर लें दूसरे मोटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द बैंड, अरे यार बैंड यदि वायर मुड़ा टुड़ा होता है तो रेजिस्टेंस पर क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता, जो मेन फ्री पाथ है ना इलेक्ट्रॉन का वो वायर की रेडियस से के हिसाब से बहुत छोटा होता है, इसलिए वो टप करें इतनी सी इतनी दूर चलता है, इतनी सी दूरी मतलब इतनी सी दूरी कितनी देता हूँ अब यार, इतनी चलता है इतनी सी दूरी, ठीक है ना। इसलिए अब मोड़ कितनी होगी, मोड़ तो ऐसी मोड़ होती है उतनी, उस मोड़ में कम से कम 50 टक्करें हो चुकी होती हैं, हजारों टक्करें हो चुकी होती हैं, इसलिए ठीक है ना। यानी कि एज द मीन फ्री पाथ ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर इज मच लेस, यानी कि मीन फ्री पाथ छोटा है और सर्कल उसका बहुत बड़ा है, तो भैया जब पाथ छोटा है सर्कल बड़े बड़े हैं, सब पाथ कैसे होंगे, सर बहुत छोटे छोटे से होंगे और सर्कल बड़े होते हैं, तो क्या फर्क पड़ना है उससे, उसको तो सर्कल भी कैसा दिख रहा होगा, बहुत लंबा रास्ता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन, टू मटेरियल है सिलिकॉन और कॉपर, ठंडे कर आ रहे हैं, कूल फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन, वायर विल इफेक्ट ऑन, भैया रे भैया सिलिकॉन में जो काय का बनाए, सर सिलिकॉन तो होता है हमारा किसका, सेमीकंडक्टर का, कॉपर क्या कंडक्टर, कंडक्टर को ठंडा कर दिया और सेमीकंडक्टर को ठंडा कर दिया, कंडक्टर को ठंडा करोगे तो यार वैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे और जो भाग रहे होंगे वही सो जाएंगे आकर के, जब सो जाएंगे तो बचाएगा क्या। द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर दैट द कूलिंग द कॉपर इट्स रेजिस्टिविटी डिक्रीज, कॉपर को ठंडा कर दोगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी और यदि तुम सेमीकंडक्टर को ठंडा कर दोगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा यार। ये वी आई ग्राफ है, ठीक है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक कल से कम है फिर भी समझ लो, जो वी आई ग्राफ है पैरेलल एंड सीरीज में पूछा गया है, तो ध्यान रखना पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसा होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, कम, ठीक है ना, कम होता है। और सीरीज में बात करूं तो सीरीज में बेटा रेजिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। अबे कैसा लग गया, ज्यादा नहीं 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 ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा होता है, ठीक है ना। राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि मैं पहली बार पेन ड्राइव चला रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको आंसर आना है, आंसर कौन सा इसमें है, कौन सा इसमें सीरीज है और कौन सा इसमें पैरेलल है, यही तो पूछा गया। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना, बस इसको स्लोप, इस स्लोप को बेटा, स्लोप को दिख रहा है ना जी स्लोप, बस द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द सीरीज कॉम्बिनेशन एज ए गिवन सेट, ठीक है ना। सीरीज तो बी रिप्रेजेंट, जो बी है आपका, जो बी दिख रहा है इसमें, जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जितना बड़ा एंगल होगा वो कम होगा, कम रेजिस्टेंस को शो कर रहा हो, ठीक है ना। तो बी रिप्रेजेंट द पैरेलल कॉम्बिनेशन कम,
पैदल में रेजिस्टेंस कम होता है, मैं लिख देता हूँ यार, तो कुछ और हो जाएगा, कम रेजिस्टेंस कम, ठीक है ना, बट एंगल बड़ा होगा, बट क्या होगा, एंगल बड़ा होगा, ई एन एंगल कैसा होगा, बड़ा होगा। तो आंसर किसका होगा, कौन सीरीज है भैया, यहां पर सीरीज है ठीक है ना, सीरीज कौन है, ए सीरीज और बी पैरेलल, खत्म कहानी, इसे नोट कर लेना, डन। चल भाई हटाएं, आगे बढ़े। अभी हट क्यों मेरा भाई, तू हट जा, सुबह के रह गया कम कम कम। चलो हट गया। नेक्स्ट, तो बी रिप्रेजेंट द पैदल कम, पहले जाकर समझ। नेक्स्ट 32, यार तो क्वेश्चन रिपीट है, वही क्वेश्चन है, सेवोल्ड वाला तो तीन आ जाएगा आंसर, वही सेम सेम क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट कौन सा, 33, ग्राफ खींचना है जी, तो आपको रेस्ट नोट्स में मिल जाएगा, किसके लिए, कार्बन के लिए है, फॉर कार्बन, इसके तो कार्बन, कार्बन के लिए, वो कॉपर के लिए था, कहा था वो कॉपर के लिए था जी, किसके लिए है, कार्बन के लिए, कार्बन के लिए ग्राफ आपको मैंने सिखाया था, नोट्स में आपके है, डन। नेक्स्ट जो ना 34, ये सिंपल समझ में आ जाएगा, रो आपका सिग्मा इक्वल टू होता है वन अपॉन रो वन, सिग्मा टू इक्वल टू वन अपॉन रो टू, ठीक है ना, यानी कि ये क्या है आपका, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कंडक्टिविटी इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टिविटी होता है, जब उनको ऐड किया तो वन अपॉन इस तरह से हुआ और आंसर निकल आया, डन। तो सिंपल सी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ बनाना पड़ेगा, किस किस का ग्राफ, किसका बनाना पड़ेगा, प्लॉट द ग्राफ द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टिविटी डिफिकल्ट, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ और टेम्परेचर का, ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, इतना करो, कल फिर देखते हैं बोर्ड पे, यदि नेट सही आ रहा तो पढ़ाएंगे। जय हिंद, गुड बाय।